गाइस अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होटल, तो इट्स अराउंड लाइक 6 o'clock इन इवनिंग। सो अभी यहाँ से हम लोग अभी डायरेक्ट बस स्टॉप पे जा रहे हैं। बस स्टॉप पे वॉल्वो बस पकड़ लेके डायरेक्ट वहाँ से फिर पैरक मनाली निकलने का है। अभी 7 बजे बस है, वहाँ से फिर डायरेक्ट मनाली नॉन स्टॉप। तो एक 12-13 घंटे में अपन पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं अपन। फिर हम लोग मजनू का तीला इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास, अभी यहाँ पर वोल्वो बसेस निकलते मनाली के लिए, तो डायरेक्ट इधर आ गए हम लोग। इधर से अभी डायरेक्ट मनाली निकलने का है, तो बस का वेटिंग कर रहे हैं हम लोग। एक टिकट पर हेड 1500 पड़ गई यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट मनाली। वोल्वो बसेस है, स्लीपर है, तो नियरली 12-13 आवर्स में पहुँच जाते। अभी टाइम तो 7:30 हो रहा, 8 बजे तक निकल जाती, सुबह 7-8 बजे तक पहुँचा रहते वो लोग। तो ऐसा है इधर का मसला। सो गाइस अभी हम लोग बस में थे जब से, सो गया था थोड़ी देर, फिर डायरेक्ट उठते कि ढाबे के पास आ गए हम लोग। 2-3 घंटों के बाद रोका इन्हें, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, हम लोग को डिनर भी नहीं करके निकले। तो इट्स अराउंड लाइक 12 o'clock इन द नाइट। तो अपनी बस है ये, बस में हम लोग पूरे एक साथ बैठे हुए 6 जने। उसके बाद इन्हें ढाबे पर रोका, ढाबे पर रोके बाद अभी पनीर बटर मसाला और रोटी सब खा लेंगे। अब भी चाय वाय मार लेंगे। इधर चंडीगढ़ हाईवे पे है, यहाँ से फिर और मनाली 350 किलोमीटर दूर पड़ेगा। देखो पूरे चाय मार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनली पहुंच गए मनाली। तो अभी बस स्टॉप पे रुक गए, यहाँ से डायरेक्ट मनाली मॉल रोड पे जाना है। तकरीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। तो अभी अपन स्कॉर्पियो बात कर लिए, यहाँ से फिर जाके होटल्स चेक करना है। होटल चेक कर लेंगे, होटल बुक कर लेंगे, ले लेना है। तो इधर का ऐसा माहौल है। तो अभी टेम्परेचर नियरली 4-5 डिग्री है। ये बस स्टॉप है यहाँ पर, अभी यहाँ पर उतरे हम लोग। इधर से उतर के बैग वैग सब चेकआउट कर लेंगे, अभी टैक्सी पकड़ के कैब ले लेंगे, डायरेक्ट होटल चेक करने का। अभी पूरे सामान वामान रख दिए यहाँ से, डायरेक्ट अभी मॉल रोड निकलने का। अपन अभी प्राइवेट बसेस स्टॉप के पास है, तो इधर से आए हुए हम लोग, सामान रख लिए, एट्टिका है, डायरेक्ट अभी बैठ के निकलने का है समझो।
चलो यार जल्दी चलो। 6 सीटर्स 7 सीटर्स दोनों पीछे, बीच में तीनों, सामने एक और ड्राइवर। सारा पानी से गाड़ी यहाँ से, सारा गाड़ी बूढ़ी, सारा होटल वगैरह सब सीधा बैग है, सीधा मंडी लोकल मोड आ गया, मंडी डिस्ट्रीब्यूट किया मंडी हिमाचल। मड़ी आता है, पानी की बहुत बड़ी झील है, इसे बीच से आपकी गाड़ी जाएगी और बीच में एक पानी का बहुत बड़ा झरना बह रहा है रानी नाला, एंड देन रोहतांग पास, वहाँ पे आपको पूरा बर्फ ही बर्फ है। सेकंड डे है, इट्स अ सेकंड डे सर। ओके, यहाँ पे आपको 5 से 6 फीट बर्फ रहेगा, यहाँ पे स्नो स्की, माउंटेन बाइक, जॉर्बिंग बॉल, ट्यूब स्लाइड या क्राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ये एक्टिविटीज यहाँ रहती है। उसके बाद रोहतांग के बाद हम आपको लेके जाते हैं स्पीति वैली, ग्रामफू, फिर आप आ जाते हैं कोकसर, उसके बाद आपको लेके जाएंगे अटल टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल 9.5 किलोमीटर। एक आइडिया दे दीजिए, आ गए ना सर, आ रहे हैं, नीचे उठा रहे गाइस। अभी होटल ले लिया हम लोग, तो अभी मैं आपको रूम टूर बताऊंगा। आहा, कितना प्यारा, जबरदस्त है एकदम। अभी यहाँ से अपनी ये बेड हो गई और ये अपना रूम है, तो ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी जबरदस्त है एकदम। फिर यहाँ से बालकनी व्यू बताऊंगा, अभी बालकनी व्यू देख लो। आहा, क्या है बाप, एकदम जबरदस्त व्यू है, एकदम डोर खोलते कि एकदम सामने पहाड़ा। तो अपन 6 जने हैं ना, तो 2 रूम ले लिए, ये एक रूम ले लिए और ये एक रूम, ये रूम का भी टूर कराया था मैं आप लोगों को। तो इसमें 3 जने और उसमें और रूम में 3 जने, तो इसका भी अच्छा व्यू है। यहाँ पर वॉशरूम है, तो इधर मिरर है, इधर भी बालकनी व्यू है, इसका ये साइड है और वो रूम का ये साइड है, उस साइड है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ज़बरदस्त व्यू दिख रहा, लेकिन वो रूम का तो एकदम डोर खोलते कि ज़बरदस्त व्यू है। ये साइड भी अच्छा है, लेकिन वो साइड ज़बरदस्त है, तो वो रूम में रहने का प्लान कर रहा हूँ मैं। ले लिया हम लोग रूम, ले लेके अभी यहाँ से फ्रेशअप होना है, फ्रेशअप होके डायरेक्ट यहाँ से आज मनाली लोकल साइट सीइंग जितने भी सारे यहाँ पर, आज फर्स्ट डे है अपना मनाली में, तो पूरा घूम लेना है लोकल जितना भी हो सका। फिर कल सुबह नेक्स्ट डे रोहतांग पास, अटल टनल और जो जो भी है खरीब के, सेकंड डे वो है, फिर थर्ड डे कसूल का प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो आज तो अभी टाइम 10 बज रहे, फिर अभी 1 घंटे में फ्रेशअप होके ब्रेकफास्ट कर लेके फिर बाहर निकलना है आराम से। तो अभी अपना होटल भी ज़बरदस्त है, तो पैकेज ले लिया हम लोग 3 days 2 nights का, तो 6 मेंबर्स है ना, तो उन्हें 25,000 बोला, तो हम लोग बाद में बात करके उससे लास्ट में 18,000 में बात कर लिए। 3 days की ट्रिप है और उसका जो एकोमोडेशन है, फूड नको बोले अपन, तो होटल का एकोमोडेशन ले लिए और उसकी गाड़ी ही उन्हें घुमाता, स्कॉर्पियो दे रहा उन्हें, और बाकी का जो भी है टोल और पार्किंग
सब उसका ही इंक्लूड। तो बस अपन बस जाके घूमने का है, अपने साथ पर्सनल ड्राइवर आएगा। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में अपन निकलने का है, थोड़ा फ्रेशअप हो जाएंगे, शावर ले लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे, तैरक निकलने का है। चलो सी यू गाइस।